हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आरती और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्किया। तो देखें कैसे बनता है। आलू उबाल लें, उसके बाद आलू को मेस करें। आलू इस तरह मिक्स कर ले, उसके बाद हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। ओके, गैस ऑन करें और इसे गर्म होने दें कुछ देर के लिए। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। ओके, तेल को अच्छी तरह फैला ले कढ़ाई में इस तरह। अब इसमें जीरा डालेंगे, लहसुन डालें इसमें, लहसुन ब्राउन हो जाए उसके बाद मिर्ची डालें हरी वाली। अब इसमें हमें प्याज डालना है। अब इसे जब तक फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। फ्राई करें, ये अभी भी ब्राउन नहीं हुआ है तो थोड़ी देर और भूंजेंगे इसे। अब देखते हैं ये ब्राउनिश हो गया है तो इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर इसमें हम काली मिर्च डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सबको। फिर इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, कुछ देर तक अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार। फिर सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, नमक को भी, इसको भी कुछ देर तक फ्राई करेंगे। अब ये हो गया है, अब इसमें हम जो हम मिक्स किए थे पोटैटो, इसमें हम मिक्स करेंगे। देर तक अच्छे से मिक्स करेंगे सबको। देखिए इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर ले, कुछ देर तक इसे भी भूंजे। इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूंजे ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। इसे अब ये हो गया, अब इसे हम निकाल लेंगे एक कटोरी में। इसमें हल्दी मिक्स करें, उसके बाद इसमें हमें मिक्स करना है काली मिर्च और फिर गरम मसाला और फिर लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। के बाद हमें पेस्ट डालना है इसमें, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। उसे अच्छे से मिक्स कर ले सबको। फिर इसमें पानी डालें, पानी डालें
और पेस्ट गाढ़ा बनाएं, पतला नहीं। तो देखिए पेस्ट ऐसा बनाएं, ऐसा ऐसा पेस्ट बनाएं। और जो आलू लिए हैं उसे हमें गोल करना है। देखिए किस तरह ऐसे गोल करना है, तो देखिए ऐसे गोल करें, हाँ ऐसे करें। देखिए इस तरह सारे टिकिया को बना लें। उसके बाद अब चले कढ़ाई गरम करते हैं। फिर कढ़ाई चढ़ाएं और कढ़ाई को गरम होने के लिए दें। हमारी कढ़ाई गरम हो गई है, अब उसमें तेल मिक्स करेंगे, फिर तेल को गरम होने के लिए देंगे। देखिए इसे कैसे डुबाना है, इस तरह ले टिकिया को, इस तरह डुबा ले। फिर कढ़ाई में डाले, फिर दूसरे टिकिया को ले, उसे भी मिक्स करें बेसन में। इस तरह देखिए, इस तरह तरह से भी डालें इसमें। और इसे अच्छे से फ्राई करें कुछ देर तक। अब इसे हम देखिए, इसे हम प्लेट पलट के देख रहे हैं, ये अभी हुआ नहीं है, कुछ टाइम और लगेगा। देखिए अब ये हो गया है, अब इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल देंगे। देखिए कितना टेस्टी लग रहा देखने में। तो देखिए गाइस, देखने में कितना यमी लग रहा है, लग रहा है ना, मुंह में पानी आया ना। तो प्लीज अपने घर पे भी ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।